नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो बुलेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके लिए बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से आपके लिए अपॉर्चुनिटी ले आए हैं। कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते आपसे इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी। अगर इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आगे से भी कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है जी, अब चलते हैं पूरी की पूरी डिटेल की तरफ। ये देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट, और ये पूरे का पूरा नोटिफिकेशन है जी। इसमें आपको जो कि मैंने पहले भी 7 नंबर 5 नंबर और 4 नंबर ये एडवर्टाइज की डिटेल्स आपको प्रोवाइड हमने करवाई दी है ऑलरेडी। ठीक है जी, अब जो है ये जो पोस्ट है ये लास्ट ये पोस्ट है, 6 नंबर एडवर्टाइज है ऑपरेटर थिएटर की, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की। ठीक है जी, और ये फॉर्म भी आपके 6 अगस्त से शुरू हो चुके हैं अप्लाई होने। ठीक है, 2 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और 1 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। कितनी है जी, 1 सितंबर लास्ट डेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप करते हैं जी एडवर्टाइज पर क्लिक। तो ये एडवर्टाइज पर जैसे क्लिक करोगे तो ये पोर्टल आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। इसमें किसकी कितनी पोस्ट है यहाँ पर भी आपको पूरा प्रॉपर वे में मेंशन किया हुआ है, जो कि 2 अगस्त से लेकर 1 नौ तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें 426 जनरल की पोस्ट हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर OBC वर्ग की 106 पोस्ट हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए 35% अलग से रिजर्वेशन है जी। 148 वुमेन के लिए जनरल की पोस्ट हैं और यहाँ पर 32 हैं, और यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 175 है, वहीं पर महिलाओं के लिए 64 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए जहाँ पर 12 है तो महिलाओं के लिए 3 हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के 198 हैं, वहीं पर महिलाओं की 72 पोस्टें हैं। पिछड़े वर्ग की 141 पोस्टें हैं तो वहीं पर महिलाओं की 42 पोस्टें हैं। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की 38 पोस्टें अलग से हैं। टोटल में 1096 पोस्टें होगी और 361 पोस्टें ये होगी। ठीक है, इसी में से 361 पोस्टें हैं, और 21 पोस्टें हैं स्वतंत्रता सेनानी यानी कि जो कि एक्स सर्विसमैन आर्मी से रिटायर्ड हैं, और दिव्यांग के लिए 4% कोटा अलग से रिजर्व्ड है। और इसमें कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी बात करेंगे। कैंडिडेट कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए, भौतिक विज्ञान, साइंस शास्त्र, जीव विज्ञान, इंग्लिश के साथ। ठीक है जी, और बिहार से या किसी स्टेट गवर्नमेंट से आपका शल्य कक्ष सहायक का डिप्लोमा यानी कि DOTA कोर्स होना जरूरी है, या बैचलर ऑफ शल्य कक्ष सहायक टेक्नोलॉजी यानी कि BOTT भी होना जरूरी है। अगर इनमें दोनों में से अगर डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर ग्रेजुएशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज की बात करें 37 साल आरक्षित के लिए है, जनरल के लिए है, और महिलाओं के लिए 40 साल है जनरल, और पिछड़े वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 40 साल है, अनुसूचित जनजाति और जाति पुरुष महिलाओं के लिए 42 साल है, बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए जो अलग से रिजर्व कोटा था वो अलग है। इसमें आपका एग्जाम चयन परीक्षा में क्या कुछ आएगा जी, पहले 12वीं तक के 30 अंक का पेपर आएगा, फिर उसके बाद DOTA यानी कि जो कि शल्य कक्ष सहायक है यानी कि जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है उसके रिलेटेड 25 क्वेश्चन आएंगे जी, 25 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, और BA बेस पर आएंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, बिहार के आपको संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और इसमें जो आपको पहले भी मैंने बताया है तो आपका 0.23 या 2.25 पे जितने मार्क्स आएंगे उसको मल्टीप्लाई करके आपकी वो परसेंटेज निकाली जाएगी, मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और जो जिन्होंने डिग्री की होगी तो उनको अलग से मार्क्स 10 अंक मिलेंगे, ये देख सकते हो। जिनके MSc की होगी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की तो उनको 10 अंक अलग से मिलेंगे। ठीक है जी, और अगर डिप्लोमा है तो आपको जो आप ऑब्टेन कर लोगे एग्ज़ाम में वही हैं। इसके बाद SC BC और EBC OBC इकोनॉमिक विकास सेशन के कैंडिडेट्स को जो सिर्फ बिहार के हैं उन्हीं को रिजर्व कोटे का बेनिफिट मिलेगा। अब फीस की बात करें तो जनरल BC OBC और इकोनॉमिक विकास सेशन की 200 रुपये है,
और जाति अनुसूचित जाति यानी कि SC ST की 50 रुपये है, महिलाओं के लिए जो बिहार के हैं 50 रुपये है, और बाहर के यानी कि अदर स्टेट के अप्लाई करेंगे तो उनके लिए 200 रुपये फ़ीस है। फ़ीस आप डेबिट क्रेडिट और नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई फीस पे कर सकते हो। हाँ, जो क्रेडिट कार्ड पर चार्जेस होते हैं 18% वो लगेंगे ही लगेंगे, वो बैंक के चार्जेस हैं, इनके बिहार गवर्नमेंट के नहीं हैं जी। क्योंकि क्रेडिट कार्ड से मैं भी फॉर्म फिलअप करता हूँ तो क्रेडिट कार्ड से 18% GST लगती ही लगती है, डेबिट से कुछ भी नहीं लगता जी। ठीक है जी, ये देख सकते हो सारी की सारी डिटेल आपको मेंशन कर दी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कहाँ पर अप्लाई करोगे, ज़्यादा जानकारी के लिए ExamJobAlert पर विजिट कर सकते हो, जो ExamJobAlert.com पर, यहाँ पर विजिट करोगे PTSC ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पोस्ट की रिक्रूटमेंट की डिटेल मिल जाएगी। 1096 पोस्ट है, इसमें डिप्लोमा इन OT असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का मांगा हुआ है 5200 से लेकर 20200 तक आपका पे स्केल रहने वाला है। इसमें 2 अगस्त से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है जी, लिख रखा है, मेंशन कर रखा है, 1 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, और मैक्सिमम एज 42 साल मांगी है। जनरल OBC इकोनॉमिक विकास सेशन की 200 रुपये फीस, SC ST फी ऑल फीमेल की 50 रुपये, PH की 50 रुपये है। अदर स्टेट से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा तो उसकी 200 रुपये फीस रहने वाली है। ये कैटेगरी वाइज किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी पोस्ट है सारी की सारी डिटेल आपको दे दी है। बाकी आप अगर हिंदी में देखना चाहते हो तो बाकायदा हिंदी में भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है। एज लिमिट आपको बता दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डॉक्यूमेंट की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट आपका एग्जाम होगा, वेरिफिकेशन होगी और मेडिकल रहने वाला है। अब बात करें तो अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर आपने इनक्लोजर देख लिया। हाँ, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो ये आपको साथ में लगाना होगा। ठीक है जी, और अप्लाई करने का मेथड कैसे है, यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है सिंपली, तो ये आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ये पोर्टल ओपन हो जाएगा जी। यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और आपने अप्लाई कर देना है, सारी की सारी डिटेल्स आपने फिलअप करके अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। लास्ट में आपसे आपके फ़ोटो डॉक्यूमेंट मांगेगा, आपके सिग्नेचर मांगेगा। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपसे लास्ट में जाकर मांगेगा। उम्मीद करते हैं जी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है, टाइम टू टाइम सारी अपडेट देते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगल में हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।